मार्स डोमिनास का। हाँ जी ट्राइकोडर्मा एक बार रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना आपके लिए। ट्राइकोडर्मा सुडोमोनाज ये होता है जितने आपके फंगल इन्फेक्शन है, रूट रॉट, कॉलर रॉट, क्राउन रॉट और जिस तरह के रिप्लांटेशन डिजीज फंगल है, जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ये हो गए आपके फंगस से ही ठीक, जो हमारे मित्र कीट है जैसे हमारे ट्राइकोडर्मा सुडोमोनाज, ये इसको ख़त्म कर देगी पूरी तरह से। फिर इसको जब बाजार में जाएंगे लाने से पहले किसी भी प्रोडक्ट की CFU देख लेना, CFU कॉलोनी फार्मिंग यूनिट होती है इनकी, जिसमें ये मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी शक्ति 2 की शक्ति 8 से 10 हो वो वाला प्रोडक्ट लेना है, वो चाहे आपका जिस मर्जी कंपनी का है। CFU के आगे भी लिखा होगा कि 2 8 CFU लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 4, 2 की शक्ति 8 या 10 के बीच वो लेना है। अच्छा ठीक है। फिर इसको डालना कब है, डालने की इसमें स्टेजेस होती है, इसको आपने अप्रैल से स्टार्ट करना है, बड ओपनिंग के बाद सारे के सारे फंगस मूव करना स्टार्ट कर लेते हैं, इवन मार्च से ही कर लेते हैं जब पेड़ में सेब आने लगता है, उस टाइम क्या करना है आपने इसको दो फॉर्म में डाल सकते हैं हम अपने ऑर्चर्ड में। पहले आएगा पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म क्या करना है, सब अपने बगीचे में क्या डालते हैं गोबर, ये डालना है गोबर की जो गोभी छिल रही होती है आपने ना, पहले ही डाल देना उस पर पूरी गोभी पे 3 से 4 पैकेट, 3 से 4 पैकेट जैसे ही डालेंगे उसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर लेगा और उसमें जाएगा और खुद अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएगा, साथ में पानी भी डालते रहना है। अगर मॉइस्चर वाली जगह है तो वहाँ पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो उसमें पानी डालना है, जैसे सूखा सूखी धरती होगी वहाँ पे गोभी छिल गई तब उसमें पूरा मल्टीप्लाई होगा, उसे आपने बगीचे में किलते किलते से अपने पूरे तौले में बगीचे जैसे फैलाते हैं उस टाइप से फैला दो, ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपके बगीचे में तौले में रूट रॉट कॉलर रॉट लग रहा है कि उसी पर्टिकुलर प्लेस को आपने ट्रीट करना है, उसके लिए क्या करना है, लिक्विड फॉर्म का आएगा वो आपने 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिक्स करना है, ध्यान रखना है क्योंकि CFU देख लेनी है पहले, जिसकी 10 होगी वो हो जाएगा 1 लीटर, आपकी CFU 3 है 4 है वो जाएगा सीधा ही 2 लीटर, क्वांटिटी देखनी है ना साथ साथ में। 1 लीटर आपने ड्रम में मिलाना है, उसको मिक्स करना है, उसमें एक चीज़ मिलानी है गुड़, गुड़ से वो जल्दी मल्टीप्लाई होता है, डाल दिया उसमें अपने गुड़ एक बर्तन में अलग से घोलनी है वो डाल देनी है उसमें, फिर उसको 6 से 7 दिन तक मड़ा है, गुड़ की 2 किलो 200 ड्रम में, 200 का जो 1 लीटर का ड्रम होता है उसमें डालना है आपने 2 किलो गुड़ से घोलना है और उसको रखना है थोड़ा धूप में या शेडी में, ज़्यादा धूप पड़ रही है तो शेडी पोर्शन में रखना, कम धूप में पड़ रही है तो धूप में रखना। कितने टाइम इसको रखना है, 6 से 7 दिन में, 6 से 7 दिन में पूरी तरह से पूरा का पूरा पानी मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास से बैक्टीरिया से। फिर आपने पर तौलिया उसको डालना है, अब डालने की भी एक स्टेज है, पहले तो आपके बगीचे में मॉइस्चर रहना चाहिए, फंगस मॉइस्चर में ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, पहले नीचे आप बारिश लगी होनी चाहिए या तो आपने पानी डालना है या ड्रिप इरिगेशन है, जो भी सुविधा आपके पास वो देख लेना है, आपके पास मॉइस्चर है तभी उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, आपने जैसे आपका एक बड़ा सा पेड़ है मान के चलो 40 साल का एक पेड़ है, 40 साल का, उसमें आपने सीधा क्या करना है, एक पहला विकल्प होता है आपके पास कि वो छेद बनाए झबल से और उसमें डाला, ये होता है डीमेटाफोरा फंगस टाइप के जो है ना हमारे फंगस उसके लिए होता है। अगर तो हमारी मेन रूट में लगा है और बाहर भी फैल रहा है उसके लिए क्या करना है, स्प्रे के माध्यम से पूरे तौले में अंदर स्प्रे करनी, इवन मैं बोल रहा अगर मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर नहीं है तो काम ही नहीं करेगा, बारिश होता है अभी के टाइम में भी चल पड़ेगा, चल नहीं अभी नहीं चलेगा, अभी ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, शून्य अभी है जो टेम्परेचर बना है ना शून्य है, तो कितना एक तापमान चाहिए इसके लिए, कम से कम आपका 12-15 से ऊपर रहना चाहिए, 12-15 से नीचे आ गया ना एकदम तो ये मर जाता है, समझो कि अप्रैल में अगर अप्रैल से स्टार्ट करना है अपने पूरे साल में इसकी 3 एप्लीकेशन करनी है, जितने भी तरह के हमारे फंगल इन्फेक्शन नीचे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, वरना हम क्या करते हैं रंग बिरंगी कॉकटेल और पेस्टिसाइड लाते हैं डालते हैं, उसमें क्या होता है दो नुकसान, पहले तो फंगस मर जाता है साथ में हमारे जो मित्र फफूंद है ना वो भी खत्म हो जाते हैं, हमने मित्र फफूंद को जैसे ज्यादा बढ़ेंगे तो हमारी बीमारियां भी कम होगी। तुम्हारा मित्र दूसरा ये आजकल ये है बहुत सूलियों का, सूलिया सूलियों के लिए भी है जी, सूलियों के लिए सुनना, सूलिया खत्म करना किसी के हाथ में नहीं, हम रंग बिरंगे पेस्टिसाइड डाल रहे हैं ठीक है,
कुछ और डाल रहे हैं फंगस को, इसको कीड़े को मारने के लिए, कुछ मर भी जाते हैं जो उसके कॉन्टेक्ट में आगे आगे कॉन्टेक्ट में आगे तो मर भी जाएगी। और जो बच गए हैं उसको कैसे मारे, इसको भी आपने अपने मित्र कीट से मारना है। मित्र कीट ये काम करेंगे, हर जड़ में अंदर जाके घुस के उसको खत्म करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रहता है आपका बबेरिया बसियाना, बबेरिया बसियाना मेटारिजियम एनिसोप्ले, ये दो प्रोडक्ट बता दिए। इसमें भी सेम इसका CFU देखना है, जिसका 8 से 10 के बीच हो वही परचेज करना है। इसको डालने का जो तरीका है ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने बताया ट्राइकोडर्मा के लिए, पानी में लिक्विड फॉर्म में डालना है, गुड़ डालनी है, इसको घोलना है, 7 दिन तक रखना है ताकि पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाए। फिर आपने पूरे तौलिया में डाल देना है इसको स्प्रे के माध्यम से। इसमें भी कंडीशन ये है कि आपके पास मॉइस्चर रहना चाहिए। अच्छा, और टाइमिंग इसका भी वही, टाइमिंग बिल्कुल सेम इसका है। इसको रिपीट करना पड़ेगा, इसको भी 4 बार रिपीट करना पड़ेगा साल में। आपको आपकी बोरर की जो समस्या है ना, आपका बोरर हो गया, सुंडी हो गया, जितने भी कैटरपिलर प्रजाति के कीड़े हैं ना, रेंगने वाले, छेद करते हैं नीचे ना, छेद भी करते हैं, सबके लिए ये है। 3-4 तरह की बीमारियां 2-3 प्रोडक्ट से खत्म हो जाएगी अगर आपको इसको कंटिन्यू बेस पे डालते हैं तब। अच्छा जी, और एक आजकल 3-4 साल से बहुत ज्यादा है वुली एप्पल एफिड, और हर बगीचे में मतलब बहुत ही ज्यादा आ रहा है, और हम लोग मतलब 2 या 3 स्प्रे भी उसके लिए करनी पड़ रही है इंसेक्टिसाइड की, तो उसका क्या हो सकता है? देखो जी, जो वुली एप्पल एफिड है, हाँ जी, ये क्या छोटा सा कीड़ा है, ये एक दवाई से मरता है और एक सॉल्ट से मरता है, उसका नाम है क्लोरोफायरीफॉस, उसी से ही मरेगा। अब इसको डालने का पता नहीं होता मेरे को कब डालना है, और इसको डालेंगे तो इससे आगे क्या नुकसान होगा ये भी पता नहीं है। पहले नुकसान देख लेना है किसी प्रोडक्ट का, क्या नुकसान होता है। आप डालते हैं इसको मान के चलो वॉलनट साइज में डालते होगे मैक्सिमम लोग, वॉलनट साइज इतना सा दाना हुआ, ओलिया एप्पल एफिड दिख जाता है, आप स्प्रे मारने लगते हैं, मतलब मैक्सिमम जब दिखा तब डाला, ये है कि मतलब पहली स्टेज तो आपकी वही होगी ना, वॉलनट साइड से आप स्टार्ट कर लेते हैं, फिर आप हार्ड स्प्रे लाते हैं कोई पेस्टिसाइड या फंजीसाइड, उसको पेस्टिसाइड उसको डाल देते हैं, उससे क्या होता है उस टाइम वो भी मर जाता है, खत्म हो जाता है, और हमारे जो मित्र फफूंद है ना वो भी खत्म हो जाते हैं। अब मित्र फफूंद जब खत्म हुआ और वो भी खत्म हुआ तब क्या हो गया, पेड़ पूरा ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या, ये इसका काम तो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में आना हवा के थ्रू। मान के चलो यहाँ स्प्रे आपकी यहाँ पे छुपा है, वो यहाँ मरेगा नहीं, फिर इसकी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, 1 हफ्ते में इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फिर दोबारा से ऊपर आएगा, फिर जो मित्र फफूंद आपने मार दिया ना वो नहीं मारेगी उसके बाद, उसको वो दोबारा से मल्टीप्लाई होगा। इसको मारने की स्टेज होती है आपकी दिसंबर, दिसंबर में डोरमेंसी में सारे के सारे कीड़े नीचे जड़ों में चल जाते हैं, जड़ों में बैठ जाते हैं, उसी टाइम उसको मारना है वहीं पे, कैसे क्लोरोफायरीफॉस जो 98% में आए वो ले आओ और नीचे मारो जड़ में, तो बस वहीं पर उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है उसको ख़त्म करने का, जैसे आपकी फ्लावरिंग बड ओपनिंग होती है ना, बड ओपनिंग होने लगती है, वैसे ही सारे कीड़े आपके फंगस हो गया, आपका कीड़े हो गए ऊपर को चढ़ने लगते हैं पेड़ में। आपने नीचे तने में क्या करना है, पेस्ट, स्पेद पेस्ट करना है, उससे क्या हो गया ऊपर को चढ़ेंगे चढ़ नहीं पाएंगे और जल जाएंगे। दूसरी स्टेज होती है ये ख़त्म करने की। कभी भी इसको बाद में मारने की कोशिश नहीं करो, पहले मारने की कोशिश करो। फिर इसमें आपका फिर आ गया आपका माइट भी आ गई, कभी माइट भी आ जाती है, कभी पत्ते झड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर क्या करें, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती है। पत्ते क्यों झड़ते यही पता नहीं।